हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज मयंक पांडे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे केसीआई टैली स्पेशलिस्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, थर्ड डे की क्लास जर्नल एंट्रीज इन टैली पार्ट वन आपने पढ़ा, ये आपका पार्ट टू है। पार्ट वन पार्ट टू में वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? बिकॉज ये क्लास बहुत लंबी ना हो जाए और थोड़ा थोड़ा समझने में आसानी होगी आप लोगों को, इसलिए इसका आज सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमने अभी पीछे लास्ट क्लास में मैंने देखा, मेरा जो फर्स्ट पार्ट वन था उसमें हमने आप लोगों को कंपनी क्रिएशन, जर्नल एंट्रीज में कंपनी क्रिएशन मतलब जो कंपनी क्रिएट होती है उसका क्या एंट्री बनता है वो हमने आपको बताया। परचेजेस कैसे हम करते हैं, कैश परचेज का क्या एंट्री बनता है, आपका उधार परचेज का क्या एंट्री बनता है, परचेज पर जो डिस्काउंट दिया जाता है या प्राप्त होता है उसकी क्या एंट्री होती है, ये सारी चीजें आप लोगों ने जाना। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास बहुत ही खास है, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली आप लोगों को देखना है और आपको अच्छी नॉलेज तभी हो पाएगी, आपको सारी चीजें तभी मालूम हो पाएंगी जब आप मेरी क्लास को लास्ट तक देखोगे। बिकॉज जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं वो आप लोगों से मिस हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए आप लोग लास्ट वीडियो का लास्ट एंड तक जरूर देखें। आज की क्लास में आगे की एंट्रीज को मैं आप लोगों को बताऊंगा और बही खाता हम कैसे व्यवस्थित करते हैं ये चीजें भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा स्टूडेंट्स। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाएं, बिकॉज बिना कॉपी पेन के आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा सेशन जर्नल एंट्रीज का पार्ट टू परचेज तक आप लोगों ने देखा, आज हम परचेज के आगे देखेंगे सेल्स। सेल्स क्या होता है? सेल्स हम किसे कहते हैं? जब हम कंपनी से माल को बेचते हैं, किसी पार्टी को माल बेचा जाता है, चाहे वो नकद बेचा जाए चाहे वो उधार बेचा जाए, तो आपका सेल होता है। सेल्स में क्या होता है? सेल्स में हमारे व्यापार से संपत्ति जाती है और पार्टी से हमें कैश प्राप्त होता है। यदि हम नकद पर सेल्स कर रहे हैं तो हमें कैश प्राप्त होगा और हम माल को बेचेंगे, लेकिन अगर कैश प्राप्त नहीं हो रहा है तो पार्टी के नाम पे प्रविष्टि हो जाएगी। जो पार्टी को हम माल बेच रहे हैं उसके नेम पर प्रविष्टि हो जाएगी और वो मेरा उधार, मेरा ऋणी हो जाएगा वो, और बाद में हम उससे पेमेंट प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम सेल्स की एंट्री देखते हैं। सिंपल एंट्री है माल बेचा, माल बेचा 1,00,000 रुपए का माल बेचा। जैसे माल खरीदा के लिए परचेज को हम लिखते हैं, माल खरीदा की मीनिंग परचेज लिखते हैं, ऐसे ही माल बेचा के लिए हम सेल्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर हम गुड्स सेल्स नहीं लिखेंगे, हमें नरेशंस में देना होगा, विवरण देना है, तो हम गुड्स सोल्ड बाय कैश बाय पार्टी का नेम लिखेंगे। बट सिंपल में हम जनरल, जो जनरल एंट्रीज की जाएंगी, जो टीम टैली में हम लेजर बनाते हैं उसमें स्टूडेंट्स हम सेल से ही माल बेचा को सेंस करते हैं। तो माल बेचा, जब हम माल को बेचते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम माल बेचते हैं तो कंपनी से माल जाता है और उसके बदले में हमें कैश प्राप्त होता है। मैंने एक चीज और बताया था आपको, जब एंट्री में पार्टी शो हो, जिसे हम माल बेच रहे हैं वो पार्टी अगर इसमें आ जाती है तो वो एंट्री उधार मान ली जाती है, अगर उसके साथ कोई ऐसा संबोधन ना हो जिससे ये व्यक्त हो कि एंट्री नकद है। अगर ऐसा नहीं है कुछ तो वो एंट्री उधार मान ली जाती है, और यहां पर पार्टी है नहीं जिसको हम माल बेच रहे हैं, तो एंट्री है मेरा माल बेचा। किसे माल बेचा नहीं मालूम, मतलब हमारी एंट्री कैश एंट्री है, मतलब नकद सेल्स है। और सेल्स करने हम क्या करते हैं, माल व्यापार से सेल हो रहा है, जा रहा है, और रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो संपत्ति व्यापार में आए उसे हम डीआर करते हैं, तथा जो संपत्ति व्यापार से जाए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो संपत्ति व्यापार से जाए
उसे हम सीआर करते हैं। तो स्टूडेंट्स माल बेचेंगे तो कैश आएगा और माल व्यापार से जाएगा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर 1 लाख टू, क्या हो रहा है सेल्स, टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। आपको यह मालूम है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष में बैलेंस का जो कैश का प्रभाव होता है वो सेम होता है, तो ये एंट्री आपकी सॉल्व हो जाएगी, सिंपल सी एंट्री है। अब इसके साथ चाहे नकद माल बेचा लिखा हो तो भी यही एंट्री बनेगी, यहां लिखा हो कि कंपनी ने माल बेचा तो भी यही एंट्री होगी, मुकेश को नकद माल बेचा तो भी यही एंट्री होगी, मुकेश को कैश डिस्काउंट पर माल बेचा तो भी यही एंट्री होगी। स्टूडेंट्स डिस्काउंट भी उसके साथ इनबिल्ट हो जाएगा बस। तो ये जर्नल एंट्रीज हैं जो बही में मेंटेन किया जाता है, तो बही में हमको सबसे पहले उसका खाता बनाना पड़ता है, ये मैं आगे आपको जब लेजर्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। सिंपल सी एंट्री है माल बेचा 1 लाख का, कैश अकाउंट डीआर 2 सेल्स, सिंपल सी एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक उधार की एंट्री हम देखते हैं, रमेश को माल बेचा, रमेश को माल बेचा 50,000 का। किसे माल बेच रहे हैं, रमेश को, मतलब पाने वाला कौन हो गया रमेश, और आप जानते हैं रमेश एक पर्सनल अकाउंट है और पाने वाला व्यक्ति ऋणी होता है, मतलब डीआर होता है, ऐसा पर्सनल अकाउंट कहता है। तो कौन माल पा रहा है, रमेश, बेच कौन रहा है, कंपनी, कंपनी से क्या हो रहा है माल जा रहा है और रमेश पा रहा है, तो एंट्री सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स कि पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, पाने वाला ऋणी, और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो संपत्ति व्यापार से जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां एंट्री बन जाएगी रमेश अकाउंट डीआर 50,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000। देयर स्टूडेंट्स एंट्री सॉल्व हो चुकी है, और रूल आप इसमें समझें, कोई आपसे पूछता है कि आपने एंट्री सॉल्व की तो इसमें कौन सा रूल लगा, आप आपको इससे बताओगे उसको। मैंने भी आपको बताया कि आप एंट्री से कही क्या किया, माल बेचा, किसे रमेश को, तो रमेश यहां पाने वाला हो गया, पर्सनल अकाउंट में जो पाने वाला होता है उसी को हम डीआर कर देते हैं। तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर रमेश, तो यहां रिसीवर कौन है रमेश, रमेश अकाउंट डीआर 50,000, क्या किया माल बेचा, रमेश को माल बेचा, व्यापार से संपत्ति गई बेचने के रूप में, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो संपत्ति व्यापार से जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं, रियल अकाउंट का ये नियम है, तो टू सेल्स 50,000। तो पर्चे पर्सनल और रियल, यहां दोनों ही रियल था, एक कैश भी रियल है जो आ रही है संपत्ति और जा रही है संपत्ति, जब हम नकद खरीद करते हैं या बेच करते हैं तो एक हाथ से देते हैं एक हाथ से देते, मतलब कैश दे रहे हैं और माल ले रहे हैं, या माल दे रहे हैं और कैश ले रहे हैं, तो डायरेक्टली दोनों ही रियल हो जाता है, दोनों में आदान प्रदान, संपत्तियों का ही आदान प्रदान हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, अब हम आपको एक डिस्काउंट की एंट्री भी बता दें, ध्यान से देखें आप लोग, डिस्काउंट क्या है, मोहन को 7% कैश डिस्काउंट पर माल बेचा 3 लाख रुपए, एंट्री क्या बनेगी, किसको माल बेचा, मोहन को, मोहन यहां पाने वाले हुए लेकिन कैश डिस्काउंट है तो वहां मोहन की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मेरी एंट्री नकद है, तो मेरे संपत्ति जो व्यापार में आ रही है, क्योंकि जब उधार हो जाता तो प्रेजेंट में कोई संपत्ति व्यापार में नहीं आ रही होती, लेकिन जब ये नकद हो गया तो मोहन से हमें कैश प्राप्त होगा, तो एंट्री में हम कैश डालेंगे, क्योंकि नकद एंट्री है, कैश अकाउंट डीआर 3 लाख का माल है और 7% कैश डिस्काउंट दे दिया गया, तो 7×21,000 रुपए का आपको लॉस होगा, एक तरीके से जो माल आपका 3 लाख का है वो आपका 21,000 लॉस सह करके आप बेच रहे हो, क्योंकि आप 7% डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक, तो
आपकी एंट्री में यहां हो जाएगा 279,000 रुपए। ये कैश आपके आपको प्राप्त होगा और व्यापार से जाएगा कितना, सेल्स अकाउंट 3 लाख, सेल्स अकाउंट 3 लाख रुपए। अब आप जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होना चाहिए स्टूडेंट, तो बैलेंस ये कम है और ये ज्यादा है, मतलब कि हमें जो टबिस्टी देनी है वो डेबिट में देनी है, और जब हम डिस्काउंट देते हैं तो व्यापार में लॉस होता है। और आप जानते हो कि नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, व्यापार में होने वाला समस्त व्यय एवं हानि डीआर होता है। तो स्टूडेंट कैश डिस्काउंट अकाउंट डीआर कितना, 21,000। अब आप देखेंगे ये भी आपका 3 लाख हो गया और ये भी आपका हो गया 3 लाख। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का बैलेंस बराबर है इसमें। तो जनरल एंट्रीज जो है, जो जनरल एंट्रीज जो बही खाते के लिए एक साधारण टाइप की एंट्री की जाती है, जो हम एक मैन्युअली कर लेते हैं वो हम इस तरह से कर लेते हैं, फिर हम व्यवस्थित करते हैं इसको सिस्टमैटिक ढंग से टैली में, या बुक हम बनाते हैं तो उसमें हम व्यवस्थित करते हैं डेट वाइज क्रमानुसार हम इसको मेंटेन करते हैं। अभी मैं कैसे करना है मैं उसको करके दिखाऊंगा आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आगे की एंट्री देखते हैं। हमने क्या किया, व्यापार आरंभ करने की एंट्री हमने कर ली, परचेज की एंट्री कर ली, सेल्स की एंट्री कर ली। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं। एक्सपेंसेस फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस को देखेंगे। देखिए कंपनी में जो एक्सपेंसेस होता है वो कुछ फिक्स एक्सपेंसेस जो होते ही है, जैसे वेतन देना, कंपनी है भाई तो उसमें कर्मचारी होंगे, कर्मचारी होंगे तो उन्हें आपको वेतन भी देना पड़ेगा, सैलरी देने पड़ेगी, क्योंकि हम उनसे सेवा लेते हैं, जो जिस चीज की सेवा ली जाए और उसके बदले में उसका चार्ज पे किया जाए वो हमारा एक्सपेंसेस होता है। जैसे हम सैलरी देते हैं या हम रूम रेंट पर लिए हैं, जिस बिल्डिंग में हम अपनी कंपनी को लगा के बैठे हैं वो रेंट पर है तो हमें रेंट भी देना पड़ेगा। हमें अपने बिजनेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपने क्राइटेरिया का, जो मार्केट क्राइटेरिया उसको बढ़ाने के लिए हमें एम्प्लॉयज को कमीशन देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे हमें छोटा मोटा काम कराने के लिए मजदूरी देनी होगी, वेजेस देना पड़ेगा। तो ये सारे टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी में। तो एग्जाम्पल देखिए आप, डियर स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस की एंट्रियां लगभग एक ही जैसी होती है। एक्सपेंसेस भी जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऐसे ही इनकम भी होता है, इनकम भी डायरेक्ट इनकम है इनडायरेक्ट इनकम। कंपनी को ज्यादातर इनडायरेक्ट इनकम होने के चांसेस हैं, डायरेक्ट इनकम के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट एक्सपेंसेस दोनों टाइप के एक्सपेंसेस कंपनी के होते हैं। एंट्री है वेतन दिया, वेतन के रूप में हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। और नॉमिनल अकाउंट, चूंकि एक्सपेंस की बात कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट पर जाएंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट एक नाम मात्र खाता है जिसे हम आय व्यय खाता भी कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, व्यापार में होने वाला समस्त व्यय एवं हानि को हम डीआर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सैलरी क्या है, मेरा एक्सपेंस है, सैलरी सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो जो एक्सपेंस है उसे हम डेबिट में डाल देंगे। सैलरी अकाउंट डीआर 5,000 रुपए, और सैलरी के रूप में व्यापार से क्या जा रहा है, जो संपत्ति मेरी जा रही है कैश जा रहा है, कैश जिसे हम करंट एसेट्स कहते हैं, कैश व्यापार से जा रहा है कितना 5,000। जो वैल्यू है सैलरी की, किसी का वेतन 5,000 है तो उसे हमें 5,000 देना है, 10,000 है तो 10,000 देना है। हाँ आगे बात होती है, जैसे 10,000 सैलरी है तो उसमें से टीडीएस वगैरह कट जाता है, कुछ पीएफ वगैरह कट जाते हैं, बट वो से हमें देना पड़ता है, हम अपने यहां से उतना डिडेक्ट करते हैं उतना कट करके चला जाता है। ये सारी चीजें हम आपको आगे क्लियर करेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि आगे की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़िए, इंजॉय करिए, पढ़ाई के साथ इंजॉय करिए, मन लगा करके पढ़िए,
मैं चैलेंज करता हूं आप बेस्ट अकाउंटेंट बन के निकलेंगे डियर स्टूडेंट्स, बट केयरफुली इस क्लास को लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो सारी चीजें आप जानोगे ही नहीं। ठीक है, तो आप देखें, वेतन दिया, सैलरी अकाउंट दिया 5000, टू कैश 5000। यहां भी दो रूल लग रहा है, ऊपर वाले में नॉमिनल लग रहा है और यहां पर रियल लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो जर्नल एंट्रीज होती है उसमें दो रूल का यूज होता है, पर्सनल रियल ज्यादा यूज होता है या फिर नॉमिनल रियल, इस तरह से एंट्रीज यूज होती है। एक हम और देखते हैं, जैसे किराया दिया, किराया दिया 10,000 रुपए, किराया रेंट बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रेंट किराया हम मानते हैं, टैली में किराए को इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, और जो भाड़ा होता है, माल भाड़ा जिसे हम कहते हैं, फ्राइट बोलते हैं, ढुलाई होती है उसे कैरिएज कहते हैं, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने नहीं लगा कि आज के टाइम में मीनिंग सबको मालूम है और कोई ऐसा वर्ड हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं जो आप लोगों को समझ में ना आए। बेसिक वर्ड्स जैसे कैपिटल को पूंजी कहते हैं, या पूंजी को कैपिटल कहा जाता है, खरीद को परचेज कहा जाता है, विक्रय को सेल्स कहा जाता है, कमीशन को लाभांश हिंदी में बोलते हैं बट कमीशन ही यूज करते हैं हम लोग, मशीन को मशीनरी को मशीनरी कहते हैं, बिल्डिंग को बिल्डिंग कहते हैं, जबकि भवन होता है हिंदी में, मशीनरी को यंत्र कहते हैं बट यहां मशीनरी यूज होता है, फर्नीचर को फर्नीचर ही कहते हैं यहां, सेल्स रिटर्न होता है जो विक्रय वापसी होती है उसे सेल्स रिटर्न करते हैं, परचेज वापसी होती है उसे परचेज रिटर्न करते हैं, जिसे हम क्रय वापसी कहते हैं परचेज रिटर्न कहते हैं, किराए को रेंट कहा जाता है, भाड़ा को फ्राइट कहा जाता है, ढुलाई को कैरियज कहा जाता है, दान को डोनेशन कहा जाता है, चंदा को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, ये सारी चीजें जाना है। स्टॉक को रहतिया कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्टॉक बोला जाता है, लोन उधार को हम लोन कहते हैं, ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं, स्टूडेंट्स मजदूरी को वेजेस कहा जाता है, इस तरह से सिंपल सिंपल वर्ड्स है जो जर्नल एंट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो किराया दिया रेंट, रेंट जैसे सैलरी दिया वैसे किराया दिया, तो सैलरी का मीन जैसे वेतन के लिए सैलरी यूज हुआ वैसे किराए के लिए रेंट यूज हो जाएगा, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट दिया 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा करके इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही सिंपल है ये जर्नल एंट्रीज, बहुत आराम से आपको आ जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किराया मिल भी सकता है अगर कंपनी के पास उसका हॉस्टल है, वर्कर्स को रहने के लिए उसके पास बिल्डिंग्स हैं, या वो बिल्डिंग दे करके बिल्डिंग का रेंट ले रहा है, तो किराया मिल भी सकता है कंपनी को। रेस्टोरेंट तो हमें किराया मिलने की एंट्री कर देते हैं, किराया मिला बट कंपनी के मालिक को वेतन नहीं मिलता, नहीं तो एंट्री आप लिखे वेतन मिला, वेतन कौन देगा कंपनी का मालिक जब खुद है वो, किराया मिला एंट्री होगी, क्योंकि अलग से बहुत लोग कहते भाई अलग से उसको सैलरी मिल रही होगी, बट टैली है और टैली में मैंने आपको बताया कि हम कंपनी को मान के चलते हैं कि हम कंपनी है, कंपनी के अंतर्गत हम वर्क कर रहे हैं तो हम कंपनी के हिसाब से काम करेंगे। यहां किराया मिला, मान लीजिए किराया आपको 15,000 रुपए मिल गया, डियर स्टूडेंट्स किराया मिला, जस्ट उल्टी हो जाएगी एंट्री, क्योंकि जब आपको किराया मिल रहा है मतलब आपको लाभ हो रहा है, और आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट कहता है कि क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट आर इनकम एंड गेन्स, तो जो इनकम या बढ़ोतरी या लाभ होता है उसे हम सी आर कर देते हैं, और किराए के रूप में क्या आएगा व्यापार में, कैश आएगा, तो कैश आ रहा है स्टूडेंट, तो कैश अकाउंट डी आर हो जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो संपत्ति व्यापार में आए उसे हम डेबिट कर देते हैं, कैश आ रहा है, और टू रेंट, रेंट अकाउंट 15,000, ये हो गई आपकी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की एंट्री, ऐसे ही सिंपल बनता है, उसमें कोई भी इधर उधर नहीं। बट आपको मैंने बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स कहां है,
इसलिए आप सेकेंड डे की क्लास जरूर देखें स्टूडेंट्स, उसमें रूल ऑफ अकाउंट जो पढ़ाया गया है, टाइप ऑफ अकाउंट का जो मेरा टाइटल का वीडियो है जो, उसको जरूर आप देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो आपको नहीं आ रहा है, वो रूल आप अकाउंट्स आपने नहीं पढ़ा है, वो आपको नहीं तैयार है, तो जनरल एंट्रीज करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, इसलिए स्टूडेंट्स उसको बड़े केयरफुली आप पढ़ लें, ठीक है। अब हम आते हैं जो हम जैसे व्यापार हुआ, हमने लेन देन करा, तो व्यापार के पास कैश बढ़ने लगेगा और कैश को अपने नकद विनियोग करता है कंपनी बैंक में, तो बैंक में चूंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, हम बैंक में पैसा जमा कैसे करते हैं, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, बैंक से हम पैसा निकालते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, बैंक में जमा किया, कोई भी बैंक हो सकता है, मैंने SBI बैंक लिख दिया है, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक में जमा किया, बैंक से निकाला, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, SBI में जमा किया, SBI एक फर्म है, एक कंपनी है, एक संस्था, एक बैंक है जिसमें हम अपना पैसा जमा कर रहे हैं, बट प्रेजेंट मैंने बोला था एंट्री में प्रेजेंट देखा जाता है क्या हो रहा है, तो बैंक में जमा किया, मान पाने वाला कौन है, बैंक है, और आप जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर, पाने वाला ऋणी होता है, तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, SBI अकाउंट DR 50,000, क्या पा रहा है बैंक, बैंक कैश पा रहा है, कैश कहां से आ रहा है, व्यापार से जा रहा है, तो हम कंपनी है, हमारे यहां से कैश जा रहा है, तो कैश टू कैश अकाउंट 50,000, बैंक कितना पा रहा है 50,000, मेरे यहां से जा कितना रहा है 50,000, मतलब 50,000 दे रहे तो बैंक 50,000 प्राप्त कर पा रहा है, तो बैंक पाने वाला हुआ और कैश व्यापार से जा रहा है, मतलब पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, इसी तरीके से निकालने की एंट्री, जैसे अभी आपने एक्सपेंसेस और इनकम का देखा, एक्सपेंसेस में जो होता है वैसे ही उसका उल्टा हो जाता है इनकम के लिए, ऐसे ही जब हम जमा कर रहे हैं तो SBI डेबिट है और कैश क्रेडिट है, लेकिन जब हम निकालेंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा और SBI क्रेडिट हो जाएगा या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कारण उस टाइम बैंक देने वाला होता है और कैश व्यापार में आता है, तो यहां हम लिखते हैं कैश अकाउंट DR 20,000 टू SBI अकाउंट 20,000। डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया ना बहुत ही सरल है एंट्री, जर्नल एंट्री बहुत ही सरल है, बट जब आपको रूल आ रहा होगा तो, और एक एंट्री है लास्ट, SBI से HDFC में ट्रांसफर किया, एक बैंक दूसरे बैंक को दे रहा है, पैसा कंपनी का है लेकिन लेन देन, तो यहां कंपनी का नाम दे रहा है या कंपनी का विवरण बहुत जरूरी नहीं है, यहां उन दोनों बैंकों का विवरण होना चाहिए जिससे जिसमें जा रहा है, तो यहां दोनों ही इस कंडीशन में दोनों ही पर्सनल अकाउंट होंगे स्टूडेंट्स, बहुत रेयर केस में दोनों ही पक्ष पर्सनल होते हैं, यहां आपको जो एक बैंक दे रहा है और दूसरा बैंक पा रहा है, तो SBI से HDFC में ट्रांसफर हुआ, मतलब पाने वाला कौन हो गया HDFC, देने वाला कौन हुआ SBI, तो एंट्री बनेगी HDFC अकाउंट DR 10,000 रुपए टू, दे कौन रहा है SBI अकाउंट 10,000 रुपए, तो ये है एंट्रीज आपके बैंक में, आप देखें SBI में जमा किया, SBI अकाउंट DR टू कैश पर्सनल एंड रियल अकाउंट, SBI से निकाला 20,000, कैश अकाउंट DR टू SBI रियल एंड पर्सनल अकाउंट, SBI से HDFC में ट्रांसफर करा, HDFC पाने वाला है, SBI देने वाला, तो HDFC अकाउंट DR टू SBI अकाउंट। स्टूडेंट्स हमने जमा कर लिया, अब जैसे हम किसी को माल बेचे हैं या माल खरीदे हैं, किसी से माल वापस आ रहा है, किसी को हम माल वापस कर रहे हैं, मतलब सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न कुल एंट्री होगी, इसमें क्या करना है, सेल्स रिटर्न जो है जब माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न की एंट्री हुई, तो सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न में संपत्ति आ रही है, बेची हुई संपत्ति वापस आ रही है, तो सेल्स किसको एडजस्ट किया जाता है, एडजस्टमेंट जर्नल वाउचर में जाकर के एडजस्टमेंट कराते हैं, तो उसके बदले में माल देना है या कैश करना है, तो माल उसके बदले में माल दिया जाता है तो जर्नल वाउचर में जाकर के, वो तो एडजस्टमेंट वाउचर में हम आपको पढ़ाएंगे, यहां जर्नल एंट्री हम देखते हैं, मोहन से माल वापस आया,
क्या आया, माल वापस। व्यापार में क्या आ रहा है, वापस माल, मतलब सेल्स रिटर्न आ रहा है। तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर 3000। किससे माल वापस आ रहा है, कौन माल वापस कर रहा है, मोहन। यहां देने वाला कौन है, मोहन। तो एंट्री हो जाएगी टू मोहन, टू मोहन अकाउंट 3000। स्टूडेंट्स सिंपल से एंट्री है। एक चीज और जान ले आप, सेल्स रिटर्न की जितनी भी एंट्रियां होंगी उसमें सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट रहेगा और जिससे माल वापस आ रहा है वो पार्टी हमेशा क्रेडिट होगा। सेम इसी तरीके से आपका परचेज रिटर्न है, जैसे सुमित को माल वापस किया 5000 रुपए का, सुमित को 5000 रुपए का माल वापस किया, या सुमित को माल वापस किया 5000 रुपए का। माल वापस किया मतलब हमने वापस किया, क्यों हम वापस करेंगे, जब हमने परचेज किया होगा तभी उसको रिटर्न करेंगे। हमारे पास सेल्स ऑर्डर क्या है, तो जिस सप्लायर से हमने माल खरीदा हम उसको ट्रांसफर करेंगे, उसको वापस करेंगे। ठीक, जैसे सिंपल सी चीज है, किसी कंपनी का कोई सामान आप ले लेते हो तो जिस डीलर से आप लेकर के आए हो या जहां से जिस दुकानदार से आप लेकर के आए हो उसके पास आप ले जाते हो, तो अगर उसके पास एक्स्ट्रा में तभी वो देता नहीं, कहता अभी आपका कंपनी को जाएगा, कंपनी से वापस होकर के आएगा तो आपको मिलेगा पूरा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब सुमित को माल वापस किया, हम कौन सा माल वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, सुमित को। तो यहां माने वाला कौन हुआ, सुमित, सुमित अकाउंट डी आर 5000। क्या पा रहा है, जो उनसे हमने खरीदा था उन्होंने बेचा था उनके लिए वो सेल्स रिटर्न, लेकिन मेरे लिए मैं खरीदा हुआ माल वापस कर रहा हूं, टू परचेज रिटर्न। व्यापार से क्या जा रहा है, परचेज रिटर्न जा रहा है, अकाउंट 5000। तो रिटर्न की एंट्री कैसे, यहां सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है और पार्टी क्रेडिट होती है, ऐसे ही परचेज रिटर्न में पार्टी हमेशा डेबिट होगी और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, ये भी आप ध्यान में रखें। ऐसे ही सेल्स परचेज में एक ट्रिक है कि परचेज की जितनी भी एंट्रियां होंगी उसमें हमेशा परचेज डेबिट होता है और जो कैश है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, या किसी पार्टी से ले रहे हैं तो पार्टी क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से सेल्स में है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, अगर वो नकद की एंट्री है तो कैश हो जाएगा, अगर उधार की एंट्री है तो पार्टी का नाम हो जाएगा, बट सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो ये सारी एंट्रीज हो गई आपकी। अब हम आपको बही में कैसे व्यवस्थित करते हैं, बही खाते में उसको कैसे मेंटेन करते हैं, ये तो मैंने जनरल तरीका बता दिया कैसे एंट्री आप लिखते हो करते हो एक मैनुअली, बट अगर इसको किसी बुक में मेंटेन करना है, बही बनाना है, तो उसको हम डेट वाइज क्रमानुसार लिखते हैं। तो वो मेथड क्या है मैं उसको आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, ये लिखने का जो बही मेंटेन करने का फॉर्मेट है, अगर हम किसी बुक में इसको लिखते हैं, बही को लिखने का जो तरीका, या फिर जो बाउचर एंट्री हम करते हैं, बाउचर में ये जो आपको मिल रहे हैं, ये टेबल में जो हेडिंग्स मिल रही हैं, ये आपको बाउचर्स में ही मिलती हैं। तो वही हम इसी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिख करके फॉर्मेट बता दिया स्टूडेंट्स। जैसे एमके टेलीकॉम स्टार्टेड कंपनी बाय कैश, तो 1 अप्रैल जो फाइनेंशियल ईयर होता है मैंने वही डाला 1 नंबर, मतलब डेट वाइज क्रमानुसार इसको व्यवस्थित किया जाता है। कैश अकाउंट डी आर 5 लाख, टू कैपिटल 5 लाख, इसका टोटल 5 लाख, इसका टोटल, मतलब बराबर होता है दोनों पक्ष। इसी तरीके से परचेज को मैंने लिखा, इसी तरीके से सेल्स की एक एंट्री मैंने बताई, इसी तरीके से एक्सपेंस सैलरी की एंट्री मैंने लिखी इसमें। इसी फॉर्मेट में जनरल एंट्रीज की जाती है डियर स्टूडेंट्स। सो वही मेंटेन करने के लिए, वही बनाने का परफेक्ट मेथड ये है स्टूडेंट। आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने डीपली जनरल एंट्रीज को आपको क्लियर करके बताया है। आप लोगों को करना क्या है, इसकी सारी एक्सरसाइज करना है, मैंने एक एक दो दो एंट्रीज बताई हुई है, आपको इसकी कई सारी एंट्रीज बना करके अपने कॉपी में मेंटेन कर लेना है, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से जर्नल एंट्रीज करना आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा यही प्रयास है कि आप लोगों को कहीं से कोई भी असुविधा ना हो, आपको डीपली नॉलेज मिले, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपका ना बच जाए जो आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये चीज हमारे समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी जरूर हो जा रही है, बट मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स।
मैंने आपको पहले दिन ही कमिटमेंट करा था कि मैं आपको ऐसी क्लासेस दूंगा जैसे क्लासरूम में आप बैठ करके पढ़ रहे हो। अगर आप केयरफुली इस क्लास को लेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैं अपने क्लासरूम में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे इस चैनल को अगला वीडियो मेरा जो आने वाला है इसके आगे का टॉपिक आएगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा। डियर स्टूडेंट्स, पीछे जितने भी लास्ट क्लास में जितना मैंने किया है वो सब आप तैयार कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आपको आपको करना क्या है, आपको इन सारी एक्सरसाइजेस को करना है, आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है तथा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ये क्लास का फायदा लाभ ले सके और उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट की टैली क्लास का नॉलेज हो पावे, डीपली नॉलेज हो पावे। ऑनलाइन मेथड में जितनी भी क्लासेस आप लोग देख रहे होंगे सबसे डीपली क्लासेस यहां आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूशन का एम ये है कि जो हम लोग पढ़ाएं वो ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे के ब्रेन में, बच्चे के दिमाग में बैठ जाए, फिर उसके लिए उसको कहीं से कोई भी क्लास लेने की आवश्यकता न पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता, आप घर पे रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर, गुड डे।